आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस साल आलू किसानों को आलू की अच्छी कीमत मिल सकती है, हालांकि इससे उपभोक्ताओं पर महंगे आलू की मार पड़ेगी। पिछले साल की तुलना में आलू महंगा होने की वजह से इस साल आलू भंडारण का भाव अधिक होना है। साथ ही इस साल भंडारण कम होने से भी कीमतों में तेजी को बल मिल सकता है। इस साल बंगाल और पंजाब में आलू की पैदावार कम हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आलू की गुणवत्ता कमजोर है। पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल पैदावार कम होने से आलू के कोल्ड स्टोर 80 से ज्यादा फीसदी से ये भरे हुए हैं। साथ ही इनमें 61 से 62 लाख टन आलू का भंडारण हुआ है। पिछले साल 70 लाख टन से अधिक भंडारण हुआ था। आलू का भंडारण 16 से 18 रुपए प्रति किलो के भाव पर हुआ है। पिछले साल 14 से 15 रुपए प्रति किलो पर यह भंडारण हुआ था। साथ ही बता दें, ऊंचे भाव और भंडारण में कमी को देखते हुए इस साल आलू किसानों को ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए। हालांकि अच्छी कीमत खरीफ सीजन में आलू की पैदावार पर भी निर्भर करेगी। बता दें, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में करीब 12 लाख टन आलू का भंडारण हुआ है। आलू की गुणवत्ता भी अच्छी है और अब कोरोना की मार खत्म होने से ये चिप बनाने वाली कंपनियों की ओर से भी इस साल मांग ज्यादा रह सकती है, इसलिए इस साल आलू के दाम ज्यादा ही रहने चाहिए। साथ ही आगरा कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं कि आगरा में इस साल 85% कोल्ड स्टोर भरे हैं। पिछले साल 90% से अधिक स्टोर भरे थे। आगरा में करीब 5 करोड़ कट्टा यानी कि 50 किलो आलू का भंडारण हुआ है। साथ ही फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव ने बताया कि कोल्ड स्टोर में आलू भरने के दौरान असमय गर्मी पड़ने से इस साल काफी आलू दागी हो गए हैं। ऐसे में छटाई होती है उसके दौरान काफी आलू बर्बाद हो जाएगा। पंजाब व बंगाल में पैदावार कम हुई है। इन परिस्थितियों में अच्छे आलू की किसानों को ज्यादा कीमत मिल सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आलू के 87% कोल्ड स्टोर भर गए हैं, जो पिछले साल से थोड़ा ही कम है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।